Well, hello and welcome back. We hope you are doing well. So firstly, if you are new to the channel, please subscribe and hit the bell icon. So आपको बहुत सारी चीज़ें EV के बारे में पता चले, और आप न्यू हैं चैनल पे तो शेयर कीजिए वीडियो को और लोगों को बताइए ये EV के बारे में. सो आज का जो वीडियो है, वी विल कंटिन्यू द सेम जो इसके पहले वीडियो डाला था गो ईगो फाउंडर के साथ में. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट सोसाइटीज़ में जो चार्जर लगाते हैं और सोसाइटीज़ में जो चार्जर लगाने का प्रॉब्लम देते हैं सोसाइटी वाले, उसका क्या कहना है गो ईगो के फाउंडर का, तो आज वो हम जानेंगे. सो स्टिक टू द वीडियो, पूरा वीडियो एंड तक देखिए एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो. हाँ, तो द थॉट प्रोसेस देर ऐसा था कि एक फीनिक्स मॉल जैसा फुटफॉल अगर एक कंपनी को मिलता है तो क्या वो कंपनी के मेंबर्स बढ़ेंगे, क्या वो कंपनी में और ज्यादा चार्जिंग होगी, वो थॉट प्रोसेस से हम गए थे उधर. लेकिन मॉल ने इतना सपोर्ट किया कि यार ये तो अच्छी बात है फॉर कस्टमर्स एज वेल एज फॉर द नेचर. तो एज आई थिंक देयर ESG एज वेल, उन्होंने बोला कि यार चार्जिंग आप फ्री दे रहे हो तो वील ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट. तो उन्होंने बोला कि साल भर के लिए कर दो. हम महीने भर के लिए गए थे, तीन महीने के लिए गए थे, उन्होंने बोला साल भर के लिए कर दो. तो ये साल भर के वजह से एक महीने भर में इतना हमको चार्जिंग सेशंस मिले कि हम खुद सोच में पड़ गए कि सही में इतना फुटफॉल ग्रैब कर सकती है एक जगह जस्ट बिकॉज ऑफ एन अमिनिटी विच इज बीइंग प्रोवाइडेड. तो दिस वाज गुड फॉर द इंडस्ट्री इटसेल्फ, जिधर अब बहुत सारे मॉडल्स इवॉल्व हो रहे हैं. कहीं 20 रुपए पे चार्जिंग है तो कहीं 50 रुपए घंटे का भी है. तो ऑल दीज मॉडल्स एवरीवन इज जगलिंग विद एज एन इंडस्ट्री. और एज अ यूजर, अब हमारी ईवी, आपकी ईवी, जो भी ईवी ओनर्स है उनको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं उधर पहुंच जाता हूँ लेकिन मेरे को उधर चार्जिंग नहीं मिलता है, मैं कंपैटिबल नहीं हूँ, या तो उधर का वो चार्ज पॉइंट बंद पड़ा हुआ है. अब आपको तो बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे मिले रहेंगे कि आप उधर पहुंच गए हो, या तो कोई और उधर चार्ज कर रहा है ना, आप वेटिंग में हो. वेरी ट्रू. दूसरा, या तो आप पहुंच गए हो और वो चार्जर ही बंद पड़ा हुआ है. राइट. तो ये वाला लर्निंग के लिए एक कंपनी जो डेटा कंपनी है हम, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अप टाइम. कि आप अगर मेरे चार्जर पे आए हो तो आप चार्ज करके जाओगे. ये बेसिक एलिमेंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रा इज व्हाट गो ईगो स्टैंड्स फॉर. कि आप आए हो तो आप उधर से नाराज होके बिना चार्ज करके बिना पैसे दिए जाओगे नहीं. अब इवन इन द फ्री वाला वर्जन देयर आर ऑब्वियसली बैकएंड वेयर वी आर एनरिचिंग आवरसेल्व्स. और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऐसे आपने बताया कि ये अडॉप्शन के लिए तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब लोग भी वो वीडियो देखेंगे, आप लोग आपके दोस्तों को बताओगे कि अरे उधर तो फ्री चार्जिंग है, यानी आप कितने भी किलोमीटर चल लो आपको उतना तो जाके फ्री में मिलेगा. सो वो वही कंसेप्ट था. तो जब ये वीडियो हमने डाला था, सो मेनी पीपल आर कमेंटिंग कि एक तो फ्री का दिया हुआ है एंड इंडिया में फ्री बोला तो लोग ज्यादा अलग चीजों से लेते हैं. सपोज फ्री बोला तो जाके 8 घंटों के लिए गाड़ी लगा दिया, फुल चार्ज करके लेके चले गए, या घर पे चार्ज नहीं कर रहे. सो ऐसा कुछ इंसिडेंट्स है जो वहाँ पे हुआ है कि लोग हमें बहुत यानी जितना डेटा हमने देखा है उसमें तो ऐसा बिल्कुल कभी नहीं हुआ. ओके. पब्लिक सबसे ज्यादा टाइमिंग इज मूवी, जो 3 घंटे की चार्जिंग हो जाती है. अब उसमें बिकॉज इट इज अ 7.4 वाला चार्जर तो वो 80% के ऊपर ही चली गई उतने टाइम में, बट विच इज फाइन. लेने नीदर इज फीनिक्स कंप्लेनिंग, नीदर एम आई कंप्लेनिंग. तो वो कस्टमर तो खुश है, तो अच्छी बात है. और अबाउट
उधर वो गाड़ी फुल चार्ज हो गई है, फिर भी उधर पार्किंग में वो किसी और का स्पेस लेके बैठी है. सो देयर वी हैव अलर्ट्स जो वो चीज को करते हैं. यानी आप कस्टमर को बोलते हो कि आपकी गाड़ी अब चार्ज्ड है, देयर आर पीपल वेटिंग इन क्यू, सो यू नीड टू रिमूव इट. सो दोस अलर्ट्स विल स्टार्ट पॉपिंग अप ऑन योर वेरी गुड. दैट्स सो दैट वेज दैट एक्चुअली वी नीडेड की, क्योंकि तो बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं कि कोई भी आके गाड़ी लगा के जाता है बट कोई चार्ज नहीं कर रहा है. It's just because they know कि EV के लिए अलग से parking लगाया हुआ है, so वहाँ पे आके गाड़ी लगा के जाते हैं, charge नहीं करते and they leave. लेकिन that is not ये वाला तो I think सबसे important वही है जो मैंने start की में बोला था कि important thing is that you come to our charger, we'll make sure that you're charging there. Right. जैसे मैं ये example देता हूँ कि आप बैठे हो और आप को किधर भी एक मोबाइल का चार्जिंग कॉर्ड विच इज कंपैटिबल टू योर आईफोन और एंड्रॉइड अगर आपको दिखता है तो आप चार्जिंग पे ला देते हो. जैसे मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो इवन इफ इट इज एट 60% 70% मैं वो क्या है आदत डाल देता हूँ चार्जिंग. सिमिलरली चार्ज पार्क्स चार्जिंग स्टेशन एट वॉट एवर डेस्टिनेशन यू आर गोना बी पार्क्ड इन फॉर मोर देन एन आवर देयर आई थिंक पीपल शुड ऑटोमेटिकली जस्ट पुट इट फॉर चार्जिंग. उतना ही आपको किलोमीटर से ऐड हो गया उतना ही आपका किधर और जाके रुक के सेपरेटली चार्जिंग करना अवॉइड हो गया. ये थॉट प्रोसेस से ऑब्वियसली हम भी वेस्ट से यानी हमारे को फाउंडर्स आर फ्रॉम द नेदरलैंड्स वो सीख के ही इधर हम लोग वो रेप्लिकेट कर पा रहे हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए एज आई अगेन सेड कि अप टाइम है कि आप आओ और चार्ज करके दो. दैट इज व्हाट विल एनेबल यू टू टेल अदर पीपल आल्सो कि यार ईवी ले चार्ज तो हो जाए. हाँ चार्ज राइट नाउ मेनी पीपल हैव फेसिंग टू इश्यूज हु आर बाइंग द कार्स नाउ. एक है कि उनके घर पे कंपनी ने चार्जर सेटअप ही नहीं किया है अब तक, गाड़ी मिल गई है. और दूसरा ये है कि सोसाइटी वाले उनको चार्जर लगाने नहीं दे रहे. तो देयर आर टू थिंग्स. फर्स्टली योर फ्री चार्जर, स्पेशली कोई उस एरिया में रह रहा है, एज वी नो वी शुड नॉट फास्ट चार्ज द कार एवरी टाइम एंड ऑल, तो उनके लिए दिस बिकम्स अ वेरी हेल्पफुल थिंग. बिकॉज स्लो चार्जर पेड इज एनी टाइम एक्सपेंसिव देन स्लो चार्जर एट होम, तो एटलीस्ट दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग. सो वी थॉट इन दैट डायरेक्शन एक्चुअली व्हेन वी सॉ के इट्स अ वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर दोज पीपल ऑल्सो. एंड secondly which we got to know you have some setups which you're doing in societies also doing for societies jisme aapko jo jinko company ke chargers ya society wale lagane nahi de rahe charger unke liye helpful reh sakta hai. So would like to know about that charger. So that is called as a shared asset model jisme society jaise aapko lift is a common amenity sabke beech mein share hoti hai. No one can individually own lifts. Similarly, we put our charging station as a shared amenity between the members. जिसने भी EV लेनी है वो आके उधर चार्ज कर सकता है और pay as you go है. तो वैसे we collect the payment and जितना भी electricity is consumed from the society's meter that is reimbursed to the society and ऊपर का markup is ours. तो there is no hassle to the society कि मेरे को एक charger खरीदना है तो सब member बोलेंगे कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है आप क्यों मैं क्यों वो चीज में contribute करूँ. तो उधर का वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. दूसरा सोसाइटी में है कि यार इधर से इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट कौन करेगा कितना तुम चार्ज कर रहे हो. अगर आपने एक नॉर्मल प्लग पॉइंट लगा दिया फॉर चार्जिंग जो बहुत सारे लोगों ने पहले गलतियां की थी उधर तो आपको मीटरिंग ही नहीं है. आपको सबसे पहले तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितनी आपकी टिकर पे चार्ज किया मैंने कितनी मेरी एमजी पे चार्ज किया आप कैसे ढूंढ लोगे वो. तो वो मीटरिंग का भी पूरा ट्रांसपेरेंसी है लास्ट सेकंड तक बिलिंग होती है फ्रॉम दी स्मार्ट मशीन्स. और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट इज दैट देयर इज सेफ्टी इन्वॉल्वड हियर कि ये ईवी ऐसी इक्विपमेंट है यानी इट इज अ यूटिलिटी ग्रिड इक्विपमेंट. यानी आप एक इलेक्ट्रिसिटी सुनते हो तो वो वाला सिंबल आता है एक स्कल विद टू बोन्स फ्रॉम द साइड. तो इसीलिए सब लोग ईवी से डरते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोले. सो आपको ये वाला इक्विपमेंट ARAI सर्टिफाइड है CE सर्टिफाइड है विच बेसिकली मींस कि आप कुछ भी कर लो आपको झटका नहीं बैठने वाला. आप कुछ भी कर लो उधर वो आग नहीं लगने वाली. अब आप वही चीज प्लग पॉइंट पे जाओगे तो
मैंने तो बहुत सारे देखे हैं प्लग पॉइंट्स मेल्ट होते हुए, राइट, इनफैक्ट पुणे में तो कतरच का वेयरहाउस भी जल गया है बिकॉज ऑफ दैट यूसेज ऑफ अ प्लग पॉइंट, लॉन्ग यूसेज ऑफ अ प्लग पॉइंट. तो ये सब चीजें हैं जो आपको एज अ सोसाइटी केयरफुल रहना है, क्योंकि कल के दिन हु इज रिस्पॉन्सिबल, राइट, एंड हियर वी व्हेन वी कम इनटू द सोसाइटी वी से दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल, राइट. वी हैव दिस प्रॉपर यूटिलिटी ग्रेड एग्रीमेंट जो आपको कभी भी ना आपको सोसाइटी में झगड़े सुनने हैं, ना आपको कोई क्वेश्चन आएगा कि अरे ये ऐसा क्यों लग गया है. सो दैट इज व्हाई वी आर हैप्पीली नाउ इन ऑलमोस्ट 400 सोसाइटीज इन पुणे. सो एज यू सेड लाइक यू टेक रिस्पांसिबिलिटी इन सोसाइटीज, बट बहुत सारे सोसाइटीज ऐसे होते हैं जैसे समवन इज बाइंग अ कार और वहाँ पे डाटा जो डब्बा लगा के जाता है वो अलाउ नहीं करते सोसाइटीज वाले. सो हाउ यू गाइस डील, डू यू हैव समथिंग लाइक फ्रॉम द गवर्नमेंट that you show to the society or something like. इसीलिए तो हम लोग अभी कैसा है ये एक इंडिविजुअल ओनर का हेडेक हो गया. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उसके वो मीटर पे एक्स्ट्रा लोड नहीं है. अब टाटा वाला 3.3 किलोवाट देता है या तो 7.4, नाउ द न्यूअर वन है, बोथ द ऑप्शंस 3.3 या तो 7.4. अगर 7.4 है यानी आपको तो अगर आप सिंगल फेज पे हो तो आपको 3 फेज मीटर पे चाहिए. तो ये जो इंडिविजुअल लेवल का हैसल है आफ्टर बाइंग एन इलेक्ट्रिक दैट वी टेक केयर ऑफ. हम लोग के पास ऑलरेडी कंसल्टेंट्स हैं, हमारे पास ऑलरेडी डेटा है कि कौन से ट्रांसफार्मर में कितना लोड अवेलेबल है. तो वी गो दैट वे, हम बोलते हैं कि सोसाइटी आपको बाकी कोई टेंशन नहीं है, हम आएंगे, हम हमारा चार्जर लगाएंगे, लोड का अरेंजमेंट भी हम कर देंगे, सिर्फ वो तुम्हारे मीटर में से आएगा. ओके, दैट्स इट. सो सोसाइटी लाइक सोसाइटी को कुछ नहीं है, सिर्फ एक साइन लेटर देना है कि हम आपको अलाउ कर रहे हैं ये करने के लिए. अलग से मीटर अगर एक्वायर करना हो पुश करते हैं कि आप एक ग्रीन मीटर ले लो, क्योंकि दैट इज अ गुड थिंग फॉर द ईवी यूजर्स कि किधर आपका 10-12 रुपए का यूनिट रेट और किधर वो 4.80 रुपए यूनिट रेट अगर आप ग्रीन मीटर लेते हो. तो वो वाला ही पुश है हमारी तरफ से कि अगर आप ग्रीन मीटर लोगे तो हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे. देयर आर फ्यू सोसाइटीज हू हैव गॉन अहेड एंड पुट द ग्रीन मीटर आल्सो. हां, एनी मतलब नॉट पोटिंग हिम ऑन दिस बट हाउ मच डज इट कॉस्ट लाइक टू ग्रीन मीटर का अगर किसी को देना है तो. सो ग्रीन मीटर इटसेल्फ कॉस्ट यू अराउंड 3000 रुपीस बट द डिपॉजिट ऑन द लोड इज हाई, यानी आपको डिपॉजिट ही है 1,00,000 रुपया वगैरह तक का डिपॉजिट जाता है. राइट, बट वो डिपॉजिट है, इट्स योर मनी ओनली. तो सोसाइटी विच अंडरस्टैंड, क्योंकि उन लोग लिफ्ट के मीटर के लिए भी वही करते हैं, दे ऑलवेज पे अप्लाई फॉर इट, हां, एंड अप्लाई, एंड वो डिपॉजिट पड़ा हुआ है एमएसईबी के पास. सो इफ दे अंडरस्टैंड इट तो दे आर इजीली, हां, यानी ऐसा नहीं कि वो मेरा खर्चा है, इट इज, एंड प्लस एमएसईबी वो डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट भी देता है. नाइस, मतलब व्हेन वी इफ वी एंड अप रिमूविंग दैट मनी वी गेट इंटरेस्ट आउट ऑफ इट. When we're taking the money back, type. No, no. Any time when you're parked, जैसे आपका एफडी है ना, हाँ अच्छा, आप इंटरेस्ट रेट तो निकालते रहो. हाँ, तो सिमिलरली आपका 1,00,000 रुपया पार्क्ड है और उसपे आपको 6% का इंटरेस्ट दे रहे हैं. ओके, तो मेन थिंग इज सो नाउ व्हाट वी वांट टू नो इज कि चलो मीटर तो लगा दिया, सब कुछ कर दिया, चार्जिंग पॉइंट भी आ गया, तो इसमें जो सोसाइटी में जब आदमी चार्ज करता है अगर 4.80 रुपीज इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन एन एवरेज यू सेइंग, तो वॉट इज द मार्कअप दैट फॉर द ग्रीन मीटर और लेट्स से 10-11 रुपीज फॉर द जनरल मीटर, व्हाट इज द मार्कअप दैट यू गाइस कीप ऑन. सो वी हैव दैट आल्सो स्टैंडर्डाइज्ड, वी पुट 5 रुपीज मार्कअप ऑन द टू व्हीलर चार्जिंग एंड वी पुट अ 10 रुपीज मार्कअप ऑन द फोर व्हीलर चार्जिंग. दिस इज पर यूनिट पर यूनिट पर चार्ज पर यूनिट पर यूनिट. सो देयर इज ऑब्वियसली वी आल्सो हैव टू रिकवर आवर इक्विपमेंट कॉस्ट एंड एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ सोफिस्टिकेशन व्हिच गोस इनटू इट वेयर इन वी आर कंटीन्यूअसली टॉकिंग टू द क्लाउड. द बहुत सारी चीजें हैं, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके व्हीकल को सेफ रखने के लिए और आपको इन्फॉर्म रखने के लिए उसमें जाती हैं. तो वो सब चीजों का एक कॉस्ट है. लाइक अंदर सिम कार्ड भी है जो आपको पर सेकंड डेटा भेजता है, तो वो सिम कार्ड का तो मेरे को मंथली कॉस्ट है. ट्रू, वेरी ट्रू. वो सब चीजें हैं जिसमें पावर, दोस एक्सपेंसेस, हाँ,
basic, and you install a thing which is common for four wheelers and two wheelers, or so we have a separate charger for the two wheeler three wheeler use case, and we have a separate tech hai jo four wheeler aapne Phoenix mein cover hi kiya hai, to do alag, to basically you set up two chargers over there. Bahut sare societies hain jinhone abhi tak फोर व्हीलर के लिए नहीं मांगा है, सिर्फ टू व्हीलर है तो टू व्हीलर के लिए मांगा है. बहुत सारे सोसाइटीज है जिन्होंने दो फोर व्हीलर मांगे, एक भी टू व्हीलर नहीं मांगा है. सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इट डिपेंड्स ऑन वहां पे क्या जरूरत है. और दूसरा शहर शहर में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है ये सब चीजों में, तो अगेन चेंजेस है. सो वी होप गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, एंड वी लाइक टू थैंक धीमन सर जो इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिया सोसाइटीज़ के चार्जर्स के लिए, फास्ट चार्जर्स के लिए. वी होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम में आया होगा, एंड अगर आपको सोसाइटीज़ में चार्जर लगाना है यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट गो ईगो, आपको वो अच्छे से हेल्प कर देंगे, एंड आपको कोई भी सोसाइटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो अंटिल देन टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.